नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त आदित्यनाथ झा inspiredtourist.com से, और आज हम बात करने वाले हैं मोटो G5 के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। मोटो G5 5 इंच की HD स्क्रीन के साथ आता है। यह 720 पिक्सल्स वाली स्क्रीन है, यानी कि 1280x720 पिक्सल की इसकी रेजोल्यूशन है वो है। फ़ोन जो है काफ़ी बढ़िया मेटालिक डिज़ाइन है। इसके ऊपर एल्यूमिनियम 6000 नाम से मेटल यूज़ किया गया है। बात करें फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में, तो पीछे कैमरा है जिसका उठाव बहुत ज़्यादा नहीं है, तो यह एक ठीक बात है इस फ़ोन के बारे में। कैमरा बम्प जिसको कहते हैं वह नहीं है इसमें। दाईं ओर पे पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर, और ऊपर की तरफ 3.5 mm का जैक दिया गया है। पीछे अगर आप ध्यान से देखें तो बैटरी जो है वो 2800 mAh की है, जो कि रिमूवेबल है, जिसको निकाला जा सकता है। और माइक्रो SD कार्ड स्लॉट अलग से दिया गया है, यानी कि आप दो सिम के साथ एक माइक्रो SD कार्ड साथ में चला सकते हैं। बात करें फ़ोन के हार्डवेयर के बारे में, तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 430 चिपसेट है, जो कि 1.4 GHz पे चलता है। ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, यानी कि 8 इसमें कोर्स हैं। बात करें इसके एंड्रॉयड वर्जन की, तो एंड्रॉयड 7.0 नोगट है इसमें। 2800 mAh की बैटरी है, 16 GB की इंटरनल स्टोरेज और 2 GB रैम है। सेंसर्स सारे के सारे लगभग मौजूद हैं, कंपास सेंसर नहीं है, पर आम जनता को शायद से कंपास सेंसर की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, तो उस मामले में भी फ़ोन ठीक है। अनटूटू बेंचमार्क पे इसका स्कोर 37,662 आया, जो कि एक औसत स्कोर है, बहुत बढ़िया स्कोर नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा हाई परफॉर्मिंग फ़ोन है। Xiaomi का Redmi Note 4 इसके मुकाबले बेहतर परफॉर्मिंग फ़ोन है, और भी बहुत सारे अन्य फ़ोन इसी प्राइस रीजन में हैं जो कि इसके मुकाबले बढ़िया परफॉर्म करते हैं। मोटो G5 में 13 MP का कैमरा दिया गया है, f/2 अपर्चर का। फेस डिटेक्शन ऑटोफोकस टेक्नोलॉजी है, LED फ्लैश भी है इस फ़ोन में। बात करें कैमरा के बारे में, तो कैमरा काफ़ी अच्छा है, और जो चित्र हमने लिए वह काफ़ी क्लियर थे, उनमें रंग बहुत ही स्पष्ट थे। और अगर बात की जाए कि वीडियोस कैसी थी, तो वीडियोस भी काफ़ी सही आई। फ्रंट कैमरा 5 MP का है f/2.2 अपर्चर के साथ, और वो भी ठीक है, वाइड एंगल कैमरा है, तो काफ़ी सही उसमें चित्र आते हैं। यह एक फुल HD वीडियो सैंपल है, जो कि हमने मोटो G5 के कैमरे से लिया। रोशनी के बदलाव के साथ साथ कैमरे का सामंजस्य भी काफ़ी अच्छा था, और अगर आप देखें तो इसको ज़्यादा देर नहीं लगी रोशनी के बदलाव के साथ कलर को और हर एक चीज़ को सही से दर्शाने में। तो यह चीज़ एक मेरे को काफ़ी बढ़िया लगी इस कैमरा के बारे में। फोकस के मामले में भी यह कैमरा सही था, क्योंकि यह काफ़ी जल्दी फोकस कर पा रहा था। जो फ्रंट कैमरा है वह भी काफ़ी क्लियर था, पर उसमें एक यह दिक्कत थी कि जब आप रोशनी को कम ज़्यादा करेंगे अपने वातावरण में बदलाव ला के, तो कैमरा को काफ़ी देर लग जाएगी उसको ठीक करने में, और अन्यथा इसकी भी स्पष्टता काफ़ी सही थी। बात करें यूज़र इंटरफेस की, तो इस फ़ोन में स्टॉक एंड्रॉयड दिया गया है, एंड्रॉयड 7.0 नोगट पहले से प्रदान किया गया है, और अमेज़ॉन वेरिएंट है सॉफ्टवेयर का, जिसका अर्थ यह है कि अमेज़ॉन के ऐप्स और सर्विसेज जो है वह इस फ़ोन में इनबिल्ट है, और बहुत सारी ऐसी फीचर्स हैं जो कि सिर्फ इसी फ़ोन में आपको मिलेंगे अमेज़ॉन से रिलेटेड। अगर बात करें इस फ़ोन की गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, तो हमने इस पर एसवर्ल्ड 8 चलाने की कोशिश करी मैक्सिमम सेटिंग्स पे, और मैक्सिमम सेटिंग्स पे गेम थोड़ी बहुत अटक रही थी शुरुआत में। थोड़ा सा ऐसा आप अगर देखेंगे तो उतना बढ़िया गेम प्ले नहीं था, पर धीरे धीरे खेलते खेलते थोड़े समय के बाद गेम थोड़ी सी स्मूथ हुई, पर फिर भी बीच बीच में ऐसा कहीं कहीं पे लग रहा था कि गेम अटक रही है। तो इसका दोष में जो 3 GB रैम है, जो कि शायद थोड़ी सी कम है, और शायद जो चिपसेट उतना ताकतवर नहीं है, उस चीज़ पे मैं ये दोष देना चाहूँगा। पर फिर भी यह गेम थोड़ी देर बाद मैं देख रहा था कि सही चल रही थी, तो आप इस पे HD गेम्स खेल सकते हैं आराम से। चार पाँच मिनट गेम लगातार खेलने के बाद फ़ोन ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा गर्म हो गया था, पर इसका पूरा दोष मैं फ़ोन को नहीं दे सकता, क्योंकि दिल्ली में गर्मी अभी काफ़ी ज़्यादा है। आइए इस फ़ोन का साउंड टेस्ट करते हैं और पता लगाते हैं कि वह कैसा है।
तो मोटो G5 में सिर्फ एक स्पीकर दिया गया है जो कि आगे की तरफ है। साउंड ठीक है, तेज है, पर उतना भी तेज नहीं है। अगर एक स्टीरियो स्पीकर सेटअप होता तो यह और बढ़िया बात होती। बात करें अगर फिंगरप्रिंट सेंसर की तो वह काफी बढ़िया था, आराम से चल रहा था। इस फोन की एक और नायाब बात यह है कि आप फिंगरप्रिंट सेंसर पे अगर दाएं बाएं की तरफ अपना अंगूठा हिलाएं तो आप इस फोन को बैक कर सकते हैं और अपने रीसेंट एप्लीकेशंस को देख सकते हैं, जो कि एक काफी अलग सी चीज है। और इसमें अलग से ऑन स्क्रीन बटन्स नहीं दिए गए हैं। मोटोरोला के फ्लैशलाइट खोलने के लिए चॉप चॉप एक्शन जो है और ट्विस्ट करके कैमरा खोलने वाले एक्शन अभी भी सही से इस फोन पे काम करते हैं, और यह काफी एक सही चीज है। ये एक ऐसी चीज है जो कि मोटोरोला के फोन को बाकी फोन से अलग बनाती है। मोटो G5 ₹12,000 पे अमेजोन पे अभी से उपलब्ध है। और अगर बात करें इस फोन के परफॉर्मेंस और हर एक चीज के बारे में तो काफी हद तक ठीक है यह फोन। ₹1,000 कैशबैक भी मिलेगा अमेजोन प्राइम मेंबर्स को अमेजोन पे बैलेंस द्वारा, जो कि एक और बढ़िया ऑफर है। अगर देखा जाए तो 12,000 के प्राइस रेंज में और भी कई सारे अन्य फोन हैं जो कि काफी अच्छे फीचर्स के साथ आते हैं, जैसे कि Xiaomi Redmi Note 4 हो गया, और भी कई सारे अन्य फोन हैं जो कि इसी रेंज में हैं, और कुछ में तो इससे बेहतर हार्डवेयर भी है। Moto G5 एक चीज में बढ़िया है कि उसका डिजाइन बहुत अच्छा है, उसका कैमरा सही है, बैटरी शायद उतनी ना टिके, और भी कुछ सारी ऐसी चीजें हैं इस फोन में जो शायद उतनी बेहतर ना हो कंपटीशन के मुकाबले। पर एक चीज जो कि Moto G5 को आम लोगों के लिए अच्छा बनाती है वह यह बात है कि इसमें स्टॉक एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड नोगट है, और इसको सही अपडेट्स मिलते रहेंगे भविष्य में भी, तो यह एक बात इसको काफी हद तक ठीक बनाती है। तो मित्रों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आदित्य झा inspiredtorise.com से आप लोगों से अलविदा लेते हुए सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए। We'll be right back.